फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों आज की सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आपको फ्री में मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसमें मेहनत तो लगता ही है, ऐसे कहने से तो हो नहीं जाता दोस्तों। और जैसा कि फिजिकल एजुकेशन जो है बीपीएससी टीआरए 3 का जो एग्ज़ाम है आपका निकल गया है शेड्यूल, 10 से 12 जून में करा दिया जाएगा। और जो टीआरए 4 है उसका भी अनाउंस कर दिया गया है, 24 अगस्त को उसका एग्ज़ाम होगा, सितंबर में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और चुनाव के बाद ही और स्टेट में वैकेंसीज आएंगी। तो दोस्तों आप जब डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको एक सीट मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड को कुछ समय के लिए दिया जाता है, फिर अधूरा आराम दिया जाता है, यह कौन सी विधि है? तो दोस्तों इनकम्प्लीट रिकवरी, जैसा कि आपको मैं कई बार बताई हूँ, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंतर्गत यह आएगा, ठीक है। अधूरा आराम जो है इनकम्प्लीट रिकवरी इंटरवल ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगा। इंटरवल ट्रेनिंग की खोज 1920 में रेंडले व गर्चलर विकिला के द्वारा सहनशीलता व गति सहनशीलता को विकसित करने के लिए किया गया। इंटरवल ट्रेनिंग यानी अंतराल विधि को टेरेस प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को रेस्ट एंड कैफर्ड यानी आराम और प्रयास विधि भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें अभ्यास को तीव्रता से किया जाता है, हाई इंटेंसिटी रखा जाता है और दो अभ्यासों के मध्य क्षतिपूर्ति यानी रिकवरी को लिए समय जो है अधूरी इनकम्प्लीट रिकवरी रखा जाता है, अधूरी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे ही मतलब कि जो ट्रेनिंग किया जाता है हार्ट रेट 180 तक पहुंच जाता है तो क्रियाकलाप रोक दिया जाता है, और इनकम्प्लीट रिकवरी के आधार पर जैसे ही हार्ट रेट 120-140 पहुंचता है पुनः शुरू कर दिया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड को सभी प्रदर्शन कारकों के लिए बढ़ाना चाहिए जिससे कि उन सब गामक क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से हो सके, यह कौन सी विधि है? दोस्तों यह विधि भी आपका हो जाएगा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धात्मक खेल खिलाड़ी के प्रदर्शन से जुड़े और खेलों में प्रदर्शन की व्यक्तिगत क्षमता की प्रदर्शन की व्यक्तिगत क्षमता उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? दोस्तों जैसा कि इसमें कहने का कोशिश किया गया है कि सभी की क्षमताएं जो है अलग अलग होती हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रशिक्षण लोड को ग्रहण करने सहन करने की क्षमता और उसको प्राप्त करने या उसके प्रतिक्रिया करने की क्षमता जो है अलग अलग होती है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जैसे दोस्तों मैंने खेल प्रशिक्षण के कई सारे सिद्धांत बताए हुए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी लगातारता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड यानी अतिभार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत एंड या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन यानी सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवर यानी आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी यानी विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन यानी प्रगति क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंजरी रिजल्ट यानी परिणाम इंजूरिंग रिजल्ट यानी परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड एंड स्टे
सिस्टमैटिक ट्रेनिंग एंड योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत एंड स्पर्शता का सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों, ये खेल के सिद्धांत, प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खिलाड़ी को खेल प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उस खिलाड़ी की व्यक्तिगत यानी पर्सनल क्षमताओं का विकास किया जाए। तो व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में जब भी बात करेगा तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और आप उसको हल्के में लेकर के चले जाते हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बकवास होता नहीं है, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही बातें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन में निम्न सर्वाधिक सहायता होता है। तो आप सबको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि आयरन एंड ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक होता है आयरन यानी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण निम्न में से कौन करता है। तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन की कमी से जो है स्राव की कमी से हमारे जो गले पर जो है कंठ पर घेंघा रोग हो जाता है, तो वही आयोडीन की कमी से जो है वह इसकी कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न पाचक यानी डाइजेस्टिव एंजाइमों के निर्माण में निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो दोस्तों, जितने भी पाचक एंजाइम्स हैं उसके निर्माण में जो मिनरल है, खनिज लवण है, वो बहुत ही ज्यादा योगदान करते हैं। नेक्स्ट है, धातु तथा अस्थियों के निर्माण में निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सब लोग इस क्वेश्चन को रटे हुए हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट है, रिकेट्स नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग, तो यह सूर्य के प्रकाश यानी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम दिमाग से आंसर दीजिएगा तो कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, सबसे अच्छा स्रोत जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें है दूध, जो है सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट दोस्तों, कैल्शियम का कितना प्रतिशत भाग धातु तथा अस्थियों में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो कैल्शियम का 65% सबसे ज्यादा भाग जो है धातु और अस्थियों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्त को शीघ्र जमाने में सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जो ऑप्शन दिया है मिनरल्स में पूछेगा तो तत्वों में पूछेगा तो कैल्शियम, एंड जब रक्त रक्त में पूछेगा रक्त कणिका में तो प्लेटलेट्स, एंड जब ब्लड प्रोटीन में पूछेगा तो फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, एंड विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के रक्त को जमाने में सहायक होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया। तो दोस्तों, रूस ने प्रथम बार 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में शामिल यानी कि भाग लिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल कौन है। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप में 1964 टोक्यो जापान में पहली बार आयोजित हुआ था, और फिर एशिया महाद्वीप में 2008 बीजिंग चीन, फिर 2020 टोक्यो जापान एशिया महाद्वीप में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया। तो दोस्तों, वह 1980 मास्को रूस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, रूस ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया। तो दोस्तों, रूस ने 1984 लॉस एंजिल्स अमेरिका ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, सभी अफ्रीकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया। तो सभी अफ्रीकी देश जो है 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, भारत ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीते हैं। तो दोस्तों,
भारत ने अब तक, ये पुराना रिकॉर्ड है, क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे नहीं है आपका, अब तक 35 मेडल जीते हैं ओलंपिक पदक, जिसमें से 10 गोल्ड यानी कि 8 गोल्ड आपका हॉकी में हो गया, 1 गोल्ड 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था निशानेबाजी में, और 1 गोल्ड आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक में, यानी 10 गोल्ड हुए, 9 रजत, 16 कांस्य पदक, कुल 35 मेडल अभी तक जीते हुए हैं। ठीक है, तो 10 गोल्ड, ठीक है याद रखिएगा, कुल कितना, कुल 35, कुल 35 यानी कि उसमें 10 गोल्ड ठीक, और 5 रजत और, सॉरी दोस्तों, 10 गोल्ड 9 रजत एंड 16 कांस्य पदक याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं अभी तक में, तो दोस्तों मैं कई बार बता चुकी हूं इसमें कोई भी आसान राइट नहीं रहेगा, अभी तक में कुल 12 पदक जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक, कितने पदक जीते हैं, 12 पदक, 12 में से 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीता हुआ है याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1928 से 1956 तक किस देश ने रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हॉकी भारत की तरफ से 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में खेला गया, जिसमें जो जयपाल सिंह की कप्तानी में, और उसके बाद 28 से लेकर 1956 तक लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता कौन, भारत ने, उसके बाद 1960 में रजत पदक जीता, उसके बाद फिर लगातार 1980 तक स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एथेंस ओलंपिक 2004 में निशानेबाजी का रजत पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है, दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो दोस्तों 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत की तरफ से सिर्फ एक पदक जीता था, वो भी थे निशानेबाजी में राजवर्धन सिंह राठौर, कौन थे, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रूप से प्रथम ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तभी जस्ट मैं बताई हूँ, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले श्री केडी जाधव किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित हैं, केडी जाधव, जैसा कि आप नाम सुने होंगे, ये ओलंपिक के किसी भारत की तरफ से पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हुए, यानी कि एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में केडी जाधव जी, कुश्ती में 57 kg भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण को स्पष्टतः एक सक्रिय प्रक्रिया निम्न में से किस विद्वान ने माना है, तो उसको माना है रूक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे, तो दोस्तों 2008 में कहाँ खेले गए थे, आप सबको पता है बीजिंग चीन में खेला गया था, 2008 में कहाँ खेला गया था, बीजिंग चीन में खेला गया था, जिसमें 2008 में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा 100 पदक प्राप्त किए थे, मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह 75 kg भार वर्ग में कांस्य पदक, एंड कुश्ती में सुशील कुमार 66 kg में कांस्य पदक जीते हुए थे, 3 पदक जीता था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आरंभ किए गए, तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 में फ्रांस के केमोनिक्स नामक स्थान पर हुआ था शुरुआत, और 2022 का बीजिंग चीन में हुआ था, 2026 का इटली मिलान और कोर्टिना में होगा। नेक्स्ट दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय में
किस खेल का प्रशिक्षण शीर्ष पर था? तो दोस्तों वहां पे धनुर्विद्या आर्चरी जो है विद्या सबसे ज्यादा सिखाया जाता था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद किस वर्ष गठित हुई? तो दोस्तों अखिल भारतीय क्रीड़ा प्रशिक्षण जो है 1954 में गठित किया गया। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल फिटनेस कोर यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स NFC का गठन कब हुआ? तो आप सबको पता है 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किस काया प्रारूप की विशेषता है? सुकुमार शरीर यानी सुंदर शरीर संरचना और कमजोर पाचन तंत्र। तो दोस्तों आपको पता है एक्टोमोर्फिक एंडोमोर्फिक मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक, जिसमें सेल्डन ने बॉडी टाइप को पाता है। एंडोमोर्फिक आपको पता है कि वो साइक्लोमेटिक होता है, ठीक है। एंडोमोर्फिक जो होता है वो साइक्लोमेटिक होता है, गोलकाय होता है, जिसको हम एंडोमोर्फिक को बिस्ट्रोटोनिक भी कहते हैं। और इसी शरीर मोटा कोमल अबोध खाने की प्रवृत्ति अभिनवपूरी मिलनसार होता है। एंड दूसरा होता है मेसोमोर्फिक, जिसे हम सोमैटोटोनिक भी कहते हैं, सुडोल काय बॉडी होता है, इसमें अस्थि और पेशियां एकदम विकसित होती हैं और साहसी उत्साही निडर सशक्त होता है। एंड तीसरा होता है एक्टोमोर्फिक, जिसे हम सेरेब्रोटोनिक भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क प्रधान या अस्थि प्रधान भी कहते हैं। ये जो है लंबा दुबला पतला दुबला कमजोर और सुंदर होता है और एकांत प्रिय और सामाजिक अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं और दूसरों की सहायता लेने से की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करती हैं। जो एक्टोमोर्फिक बॉडी होता है वो सहनशीलता वाले खेलों में यानी जिम्नास्टिक और एथलेटिक बॉडी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सुंदर शरीर संरचना और कमजोर पाचन तंत्र एक्टोमोर्फिक की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एक्टोमोर्फिक की। यहाँ पे एक्टोमोर्फिक क्रिस का बॉडी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड का व्याघात यानी साइड इफेक्ट है? तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड का साइड इफेक्ट है संक्रमण कान में विकार, ठीक है, कान में विकार यानी संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट है, पराध्वनि ऊर्जा यानी कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन किनके बीच सबसे कम होता है? तो दोस्तों इसका कोमल उत्तक और वसा के बीच जो रिफ्लेक्शन होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, आंतरायिक संपीड़न यानी कंप्रेशन को छोर पर लागू करने में उपकरण में दाब किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कि इसमें जो है खिलाड़ी के डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर में अंतर से जो है अंतर जो है कंप्रेशन यानी कि को छोर पर लागू करने में उपकरण में दाब अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग मर्दन यानी मसाज की बात कर रहा है, मसाज की पैट्रिसाज विधि में क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताई हूँ कि जो मसाज होता है चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशन यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सैकिंग यानी झकझोरना या मिलाना। तो यहाँ पे जो स्ट्रोकिंग सहलाना दो प्रकार का होता है एफिलरेज, एंड प्रेशर जो है वो तीन प्रकार का होता है एंड नीडिंग पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। नीडिंग मतलब होता है गुथना, पेट्रिसाज मतलब चुकुटना और फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। तो यहाँ पे पैट्रिसाज बोला है तो यहाँ पे त्वचा को चिकोटी काटना आपका राइट आंसर होगा। यानी कि पैट्रिसाज में क्या किया जाता है कि पकड़कर ऊपर खींचना होता है। मसाज वाले पार्ट को आप देख लीजिए, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एफिलरेज अंग मर्दन विधि क्या है? दोस्तों जो स्ट्रोकिंग होता है सहलाने के हस्त कौशल विधि, उसी के अंतर्गत एफिलरेज आता है, जो हृदय दूर से हृदय की तरफ मसाज किया जाता है सहला करके,
तो यहाँ पे एफिलरेज अंग मर्दन विधि क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्वचा को सहलाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है त्वचा की थपथपाना यानी टिपोटमेंट में क्या शामिल है, तो दोस्तों स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सेकिंग यानी झकझोरना। तीसरा प्रकार होता है थपथपाना यानी कि परक्यूजन, जिसे टिपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसका मतलब होता है थपथपाना, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुखियाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुखियाना। ये थपथपाना यानी कि परक्यूजन जो है चार प्रकार का होता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउडिंग। हैकिंग में हाथ से हथेली से हल्का हल्का प्रहार किया जाता है, क्यूपिंग में हथेली को प्याले के आकार देकर के थपथपाया जाता है, बीटिंग में मुक्का बनाकर, और पाउंडिंग में हथेली की गुलाब की अंगूठा और छोटी उंगली से तबले जैसी बजाने जैसी क्रिया किया जाता है। नेक्स्ट है खेलकूद में हुई क्षति को, खेलकूद में हुई क्षति में खिलाड़ी को तात्कालिक उपचार प्रदान करना है। तो दोस्तों खेलकूद में कोई भी प्रकार का एथलेटिक प्रकार का चोट हो, उसके लिए तुरंत बर्फ चिकित्सा या ठंडी चिकित्सा यानी क्रायोथेरेपी का उपचार किया जाता है। ठंडी चिकित्सा को, बर्फ चिकित्सा को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के कार्य को निम्नलिखित उपकरणों में कौन मापता है, तो दोस्तों हृदय की कार्यविधि को पता लगाने के लिए ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का के द्वारा मापा जाता है, एंड मस्तिष्क की प्रकृति को पता लगाने के लिए ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और दोस्तों मस्तिष्क का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, EEG दोस्तों, EEG उस होता है इलेक्ट्रो इंसोफेसोग्राम मस्तिष्क की विकृति पता लगाता है, और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की विकृति का पता लगाता है। नेक्स्ट दोस्तों निग्रो और श्वेत प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन में वृद्धि परीक्षणों द्वारा अनुवांशिकता के पक्षपात के विरुद्ध कौन से तर्क दिए गए हैं, तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी पक्ष दिए गए हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण ज्ञान का परीक्षण है, और ज्ञान पर्यावरण पर निर्भर करता है, बात सही है, जैसा इन्वायरमेंट होगा उस तरह आपका बुद्धि उपज होगा। बुद्धि परीक्षण बुद्धि वाह कारु का परीक्षण नहीं है, निग्रो लोगों को उन्नति के अवसर कम मिलते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा, निग्रो और श्वेत प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन में यह पक्षपात में तर्क दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किन वैज्ञानिकों ने कद की लंबाई पर पर्यावरण का प्रभाव दिखाया है, तो स्किन फाइल एंड बॉस दोनों ने दिखाया है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है मानव बुद्धि के विकास पर 80% अनुवांशिकता और 20% पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, यह निम्न में से किसका विचार है, तो दोस्तों यह कुमारी बक्स का विचार है कि जो मानव बुद्धि का विकास होता है 80% अनुवांशिकता हेरिडिटी पर और 20% पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, ये बक्स ने कहा है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के प्रभाव के विरुद्ध निम्न में से कौन से तर्क दिए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अनुवांशिकता का प्रभाव सीमित है, बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव, तो ये सभी प्रभाव अनुवांशिकता के विरुद्ध तर्क दिए गए हैं, तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से वंश का अधाम अनुवांशिकता का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया गया, तो अनुवांशिकता का अध्ययन करने के लिए कौन सा वंश सबसे पहले शुरू किया, तो वो है काली काक वंश ने सोचा कि अनुवांशिकता क्या है, उसको अध्ययन करने के बारे में सोचा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से वंश का अध्ययन उत्तम अनुवांशिकता के प्रभाव देखने के लिए किया गया, तो उत्तम अनुवांशिकता के प्रभाव को देखने के लिए किया गया एडवर्स वंश के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किन परिवारों के अध्ययन अनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए किए गए,
तो दोस्तों ये सभी कालिकाक वंश सबसे पहले किया, फिर एडवर्स वंश, ज्यूक्स वंश, तो उपरोक्त सभी वंश ने किया। नेक्स्ट है अनुवंशिकता के बुद्धि पर प्रभाव का प्रजाति अध्ययन में से किसने किया, तो दोस्तों यक्स एंड क्लाइनबर्ग दोनों ने अनुवंशिकता पर प्रजाति का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया, तो दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीखने का एक नियम है, तो सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम थर्नडाइक ने दिया है, तीनों सीखने का नियम है, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल है, दोस्तों मानसिक विकास जिसका अच्छा रहेगा वो विवेचना अच्छा करेगा, चिंतन अच्छा करेगा, तर्क अच्छा करेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, विवेचन और चिंतन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विधियों में किसके द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं, तो दोस्तों यह विरेचन के द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और अब आप लापरवाही बरतेंगे, थोड़ा भी अपना ध्यान भटकाएंगे दोस्तों तो एक सीट आपका चला जाएगा, इसलिए आप पूरा ध्यान केंद्रित करके जो आप भी काम करते हैं उसके अलावा 4-5 घंटे अपने जो है प्रिपरेशन करिए के लिए जरूर निकालिए और डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।